हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फूड इज वर्ल्ड। दिस इज खुशी जैन और आज मैं आपके लाई हूँ एक अनोखी चटपटी चाट जिसे व्रत की सब्जी से बनाया जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। व्रत वाली आलू की सब्जी तो आप जानते ही हैं, जिसमें लहसुन और प्याज नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे चटपटी चाट में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसे खाने में एकदम मजा आ जाता है। मगर इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और घंटी आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। तो चलिए देख लेते हैं फरारी चाट की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए व्रत वाली आलू की सब्जी, मतलब जिसमें लहसुन प्याज नहीं होता, हल्दी नहीं डली होती है, वो वाली आलू की सब्जी चाहिए हमें, जिसे हम आलू टमाटर की सब्जी भी कहते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह उबले आलू भी ले सकते हैं। और चाहिए हमें भुनी हुई या तली हुई मूंगफली, जैसी भी आपको पसंद हो आप वैसी कर ले, भून ले या तल ले। कुछ चिप्स जिसे मैंने डीप फ्राई कर लिया है। यहाँ पर मैंने एप्पल लिया है, आप और भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे कि अनार और बनाना। पत्ती चॉप्ड, इमली की चटनी या फिर नींबू। इमली की चटनी से भी ये बहुत अच्छा लगता है आप, या फिर आप इसमें नींबू जो भी आप व्रत में लेते हो वो इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें इसमें से थोड़ी सब्जी लेनी है, जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें। तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून आलू की सब्जी ली है। आप चाहें तो सब्जी की जगह उबले हुए आलू भी ले सकते हैं। अब हम इसमें एप्पल डाल देते हैं और फिर हम इसमें मूंगफली मिक्स करते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा या कम इंग्रेडिएंट्स को डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चिप्स को तोड़कर डाल लेते हैं। आप चाहें तो इमली की चटनी या नींबू में से कुछ भी एक डाल सकते हैं, आप चाहें तो दोनों इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नींबू का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इस व्रत के लिए ना बना रहे हो तो आप इसमें चाट मसाला, टमाटो केचप और अनियन भी ऐड कर सकते हैं जो इसके स्वाद को और बढ़ा देती है। अदरवाइज़ ये ऐसे भी बहुत टेस्टी है, तो खाइए और खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।